अविनाश ने आधी रात को किया ईशा को प्रपोज। वेल दोस्तों, बिग बॉस 18 के घर में कई बार ऐसा हुआ है कि कंटेस्टेंट्स के बीच में प्यार के फूल खिले हैं। कई ऐसे रिश्ते बने जो घर में बने और आज के समय में वो साथ हैं। अब बिग बॉस 18 के घर में भी ऐसे ही प्यार के फूल खिलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नई टाइम गॉड बनी ईशा सिंह और उनके दोस्त अविनाश की। पहले दिन से ही उनके बीच की बॉन्डिंग सभी को दिखाई दे रही है। अब तो अविनाश ने ईशा के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया है। आखिर क्या कहा है उन्होंने ईशा से, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बिग बॉस के घर में अब तो गेम बहुत ही ज्यादा मजेदार चल रहा है। हर किसी को काफी मजा भी आ रहा है। बिग बॉस के घर में एक के बाद एक कुछ कंटेस्टेंट जो हैं उनके बीच में कनेक्शन नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा खास रिश्ते भी बन चुके हैं। इस लिस्ट में काफी सारे लोगों का नाम है और इसी में नाम है ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा का। जी हाँ, बीते दिनों तो अविनाश ने ईशा के सामने अपने दिल की बात कही और कहा था कि वो उन्हें पसंद करने लगे हैं। हालांकि अविनाश ने तो ईशा के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया है, लेकिन अभी तक ईशा की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईशा अभी अपने रिलेशन को टाइम देना चाहती है। उन्होंने जवाब नहीं दिया तो अविनाश ने अपनी दोस्ती को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी और कहा कि कोई नहीं, अगर तुम नहीं चाहती तो हम दोस्ती के रिश्ते को ही रखते हैं। दरअसल अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के बीच का रिश्ता सभी को दिखता है। आपने देखा ही होगा कि टाइम गॉड वाले टास्क में तो अविनाश ने पूरा एफर्ट लगाकर उसे टाइम गॉड बनाने में पूरी हेल्प की, लेकिन अब ईशा ने तो अविनाश के प्रपोजल का कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं उसका दिल तो जरूर टूटा है। अब लोगों को इस बात का इंतजार है कि ईशा भी अविनाश के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाती है या नहीं। हालांकि कहा यह भी जाता है कि अविनाश मिश्रा की ऑलरेडी बाहर एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन इस पर कभी एक्टर ने रिएक्ट नहीं किया। कुछ खबरें सामने आती भी हैं और कुछ में कहा जाता है कि वो सिंगल हैं, लेकिन जिस तरह ईशा के साथ उनका बॉन्ड बिग बॉस के घर में दिखता है वो काफी प्यारा बॉन्ड है। वेल, आपको अभी याद होगा टाइम गॉड बनने के बाद ईशा जो हैं वो अविनाश के साथ फाइट करती नजर आई थी। इन दोनों की कल ही बहुत बुरी तरह से फाइट हुई, जिसके बाद फैंस भी काफी शॉक हो गए थे, क्योंकि आप जानते हैं ईशा टाइम गॉड है और वो अविनाश को कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अविनाश जो है उन पर भड़क जाते हैं और दोनों की जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, जिसके जैसे इनकी भयंकर फाइट जो है कल बिग बॉस 18 के घर में देखने को मिली। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इन दोनों की जोड़ी के लिए, इन दोनों की फाइट्स के लिए, लव स्टोरी के लिए? कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए। इसी तरह टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें।